हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। दो दिन के बाद आज आपका भाई कर रहा है व्लॉग। दो दिन व्लॉग क्यों नहीं किया मैंने, क्यों नहीं व्लॉग आया मेरा, मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। पिछले कल व्लॉग नहीं आया, उसका रीज़न ये, घर पे मेरे लग हो रहा था काम, टाइल्स लग रही थी वॉशरूम में, ठीक है। तो वॉशरूम में जो टाइल्स लग रही ना, वो डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है, तो मिस्त्रियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे लगानी है। और मेरे घर वाले भी यहाँ पे नहीं थे, मम्मी पापा वो दोनों गए हुए थे कुल्लू, तो घर पे मैं अकेला था, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। तो करते करते बताते बताते खुद, मतलब रात के हम लोगों को अराउंड 9:30 बज गए बाथरूम की टाइल्स लगाते लगाते, तो उसमें मेरा सारा टाइम चले गया, इसलिए पिछले कल व्लॉग नहीं कर पाया। रेडियो के बैठा था, जबकि घर से रेडियो के निकला, मतलब ऐसे इनके पास बैठा था, तो इसीलिए पिछले कल मैंने व्लॉग नहीं किया। और परसों व्लॉग क्यों नहीं किया, मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। परसों व्लॉग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मेरी तबीयत है वो डाउन थी, हाथ में ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि, और पेन हो रहा था, मेरे को लग रहा है मेरा ना हाथ जब गिरा हो ना तो हाथ बजा भी है, जो ये है ना एल्बो बजी है मेरी, और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे को, तो इसलिए रेस्ट करते करते ना व्लॉग ही नहीं कर पाया। तो इसलिए ये रीज़न है दो दिन व्लॉग नहीं आने का। लेकिन दो दिन की जो कमी है ना, वो आज हम पूरी करने वाले आज के व्लॉग में ब्यूटीफुल बनाएंगे। और आपको मैंने बहुत सा ले लद्दाख की ट्रिप है उसकी आपको अपडेट भी आज देंगे। कल निकल रहे हैं हम लोग, लेकिन कहाँ निकल रहे हैं, कल 100% निकल रहे हैं, लेकिन कहाँ निकल रहे हैं वो आपको बताते हैं। बाकी अभी एक काम करते हैं, मौसम देखो, मौसम ऐसे ही है, ऐसे करके दिखाता हूँ। मौसम ना थोड़ा, मतलब धूप भी आ रही है लेकिन ये धुंध है हल्की, वीडियो में नहीं पता चल रहा है उतना। बारिश वाला मौसम हुआ है, तीन दिन से लेके बारिश वाला मौसम हुआ है लेकिन बारिश पड़ नहीं रही है। 28, 29, 30 मौसम खराब दिखाया था, येलो अलर्ट दिखाया हुआ था, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं पड़ी है मनाली में तीन दिन से लेके। मौसम ऐसा ही, जैसे आपको अभी पीछे दिख रहा है ऐसा ही मौसम है, बारिश नहीं पड़ी। नहीं, शिमला वगैरह में बारिश पड़ी है, बादल फटा है वहाँ पर, दिल्ली में बोल रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग दिल्ली में होंगे, आपने देखा होगा बारिश पड़ रही है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो बाकी मनाली के वेदर तो ठीक है, आप ट्रैवल करना चाहते हो आप सेफली कर सकते हो। बाकी अभी एक काम करते हैं, चलते आज की वीडियो में क्या होने वाला, वीडियो एंड तक देखो, बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ब्यूटीफुल सी वीडियो की करते हैं शुरुआत। घर से निकलते हैं, पिछले कल एक्चुअली बाथरूम के टाइल्स लगा रहे थे ना, इसमें मेरा सारा दिन गया हुआ है। ये देखो, ये आपके भाई का रूम है ना, ये आपके भाई के रूम का वॉशरूम है, मिस्त्री गए लगे हुए अभी, और टाइल्स कम पड़ गई यार, नाप दिया तो उस दिन पता नहीं क्या नाप दिया, टाइल्स कम पड़ गई है अभी, तो अभी चल के थोड़ी सी और टाइल्स भी लानी पड़ेगी मेरे को। तो मतलब ये वाली मम्मी पापा के वॉशरूम की टाइल्स है, मेरी दूसरी है, जिसकी वो मेरी दूसरी थी, और ये फ्लोर वाली है मेरी, जो ये ना ये फ्लोर की टाइल्स है मेरी, ऐसे में ये जैसे रफ सरफेस है थोड़ा, देखो ना ऐसे लाइंस वाला, ऐसे में टाइल्स कम पड़ गई दूसरी वाली। और जिनके वहाँ से टाइल्स लिए वो बोल रहे हैं कि स्टॉक में खत्म हो गई है, तो अभी 4-5 दिन बोला उन्होंने, मतलब मेरे वॉशरूम के टाइल्स में को लग रहा है एक दीवार रह जाएगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, शावर वाला एरिया मेरा अलग था, उन्होंने शावर वाला एरिया ना मैंने एल शेप में रखा था, उन्होंने पूरी दीवार ही शावर वाली दे दी, तो शावर वाली जो टाइल्स है ना, ये शावर वाली टाइल्स है, ये बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो बस ये एक्सचेंज करानी पड़ेगी। देखो कितनी सारी है पीछे तक, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उनसे, बाकी अभी 4-5 दिन वेट करना पड़ेगा फिर अपनी टाइल्स आएंगी। अच्छी खासी मैंने बेस ट्यूब निकाली हुई थी, मतलब जो पीछे मैंने पेटी बनाई है ना वो निकाल के घर ले गया था, साफ सुफ करके वापस आज लगाई, मैंने कहा मेरे को निकलना है कल सुबह ना, तो बेस तो चाहिए गाड़ी में। अभी चलते चलते अपना भी बंद हो गया, कुल्लू को जा रहा था मैं, अभी पतली पुल पहुंचने वाला और बंद हो गया, और इतना टाइम मेरे पास अभी है नहीं कि रुक के मैं वो ठीक करने बैठूं। कुल्लू पहुंचते एक बार वहां जाके देखते हैं, और गर्मी है भाई, काफी ज्यादा गर्मी है, और ह्यूमिडिटी जैसी हो गई है, मौसम ना अजीब सा हो गया है। इसका मतलब ये होता है गाइस, पता क्या, कि बारिश पड़ने वाली है और तगड़ी बारिश आने वाली है, तीन दिन से लेके मौसम ऐसा ही है, घुटन घुटन जैसी हो रही है, पता है पड़ेगी तो पड़ेगी। आज मेरे को कुल्लू जाते हुए एक और टाटा सुमो दिखी जिसमें कि अपना स्टिकर लगा हुआ है, ये देखो यार, टाटा सुमो में काफी में लगा है। मनाली में मेरे को एक दो और दिखी जिसमें टाटा सुमो में लगा है, लेह में टाटा सुमो में मेरा स्टिकर लगा, और यही बड़ा वाला, नाइस भाई गुड। और BRM का भी लगा ऊपर, अपना कोई भाई है शायद, अंकल जी है कोई, नाइस। अभी सीट कवर वालों के पास आ गया था मैं, जहाँ पे हमेशा काम करवाता हूँ, तो हाफ वाला तरपाल था ना वो मैंने दे दिया इनको, क्योंकि अभी इसको कैबिन भी बनाना है अंदर से पूरा, यहाँ सेंटर में कैबिन ये लगेगा, तरपाल लगेगा, वो इनके पास पकड़ा दिया मैंने। साथ में ये जो तरपाल है ये अपनी ग्रीन वाली जिप्सी में लगा था, ठीक है, वो तरपाल है, तो क्वालिटी उतनी खास बताया मैंने यहीं पर, उस टाइम इनको कपड़ा ये वाला था, इसकी क्वालिटी उतनी खास नहीं है, तो अभी इनको फिर से मैंने बोला है सेम साइज़ का ना तरपाल, अच्छी क्वालिटी में जो था टॉप आता है ना वाटर प्रूफ वाला, उसमें बनाएंगे नया। बाकी अभी चलते हैं, नंता के पास निकलना है मेरे को। चलिए जी, नंता वगैरह को पिक करने के लिए मैं आ गया हूँ। एक्चुअली आज हमने घूमने जाना है, कहीं देखते हैं आसपास कहीं घूमते हैं, ट्रिप पे तो हमने कल निकलना है ना, लेकिन आज हम घूमने के लिए आए हुए हैं। मेरे को काम तो था तरपाल का, तो वैसे ही प्लान बन गया, मैंने कहा यहाँ भी चलते हैं, नंता को पिक करते हैं और घूमने चलते हैं। थोड़ा आपको बता देता हूँ, मैं अक्षोर नंता हम तीनों जाने वाले घूमने के लिए, लेकिन अभी सिर्फ नंता और मैं गेड़ी मारेंगे, थोड़ी देर कुछ खा के आएंगे, फिर उसको ड्रॉप कर दूंगा वापस यहाँ पे, एंड उसके बाद निकलेंगे हम कहीं पे। भाई ये इरिटेट हुई पड़ी है, नंता हाउ आर यू, व्हाट हैपेंड,
अब शक्ल तो दिखा, क्या हुआ? मेरे को गर्मी लग रही है यार, यहाँ क्यों ऐसा हो गया? चंडीगढ़ से इतनी गर्मी से आई और यहाँ आके इरिटेट हो रही, इतनी गर्मी है यहाँ पे, ये हुआ है। पपी पपी पपी, क्या ले, आजा आजा आजा, भाग गया। और ऊपर से व्हाइट पेंट लगा के आई हुई है, पता नहीं कहाँ ब्लैक दाग लग गया, अभी उस पर भी इरिटेट हो रही है। बाकी अभी हम लोग निकल गए, कहाँ चलना है बताओ? डिसाइड करते गाइस, अभी हमने डिसाइड नहीं किया कहाँ तक जाना है उनको। एक है हमारे पास अक्षु जी, क्या उड़ के जाएगा? एक है हमारे पास अक्षु जी जिसको गाड़ी चलाने की लगी होती है, उसने एक्सयूवी को बताया मैं चलाऊं, बोला मैं क्या फैमिली के साथ रिस्क नहीं ले सकते भाई, मैं क्या जिप्सी या पोलो होती मैं दे देता। एक है हमारे पास नंता जी, पहले इसको बहुत शौक होता था गाड़ी मैं चलाऊंगी अपनी चलानी है। मैं अपनी गाड़ी, ये किसकी है? तुम्हारी नहीं है गाइस, सुन रहे हो? नहीं, गाड़ी आपकी पहचान ली गाड़ी तो यार भाई ने गाड़ी पहचान ली मेरी, लेकिन मैंने तो हॉट टॉप खोल दिया। अब आए कहाँ से तुम लोग? तो दोनों इसके साथ? अच्छा अच्छा, नाइस नाइस नाइस। तो अभी कहाँ चले? घर? चलो ठीक है। अभी पत्रिकुल रुक गया था मैं, और हमारा प्लान बना हुआ है मनाली जाने का, क्योंकि आज है सज्जल का बर्थडे। आप में से अगर काफी लोग सज्जल को नहीं जानते हो तो आज मिला देता हूँ मैं आपको, वैसे पहले भी दिखाया हुआ है। तो अभी सज्जल का बर्थडे, तो बाकी जो लोग हैं सज्जल वगैरह और भी वो है मनाली में, एंड मैं और नंता जा रहे हैं मनाली, ठीक है? तो वहाँ पे उनसे मिलते हैं, आपको मिलाते हैं बर्थडे का, देखते क्या सीन है। और मैं अभी पत्रिकुल जाते, मेरे बाथरूम वाली टाइल्स ली थी ना वहाँ रुका था, क्योंकि मेरे वाले वॉशरूम के 3 डब्बे कम पड़ रहे, बड़े वाले वॉशरूम के 4 डब्बे कम पड़ रहे, क्यों पढ़ने पूरे थे, कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। शावर वाले एरिया के सिर्फ 6 डब्बे थे दोनों बाथरूम के, वो 17 डब्बे आ गए, तो ये कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हुई कि अभी अपनी जो टाइलें हैं वो सारी जाने वाली है अपनी जिप्सी में पीछे। जिप्सी काम की गाड़ी है बोलता हूँ ना मैं, 3 बॉक्स है दूसरे, फिर बाकी जो टाइलें शावर मैं वापस लेके आऊँगा सारी, इसमें आ जाएगी आराम से। गाइस टाइलें अपनी डल गई है 4 बॉक्स, ये मम्मी पापा का जो वॉशरूम है उसकी टाइल है, तो 1 2 3 4 जिप्सी में आ गई। मतलब ऐसी मेरे को लगता है 4 आई ना 10-20 और आ जाती है यहाँ पे, मतलब अगर ये सीटें फोल्ड कर देता ना बहुत सारी आ जाती। बैठी तो नहीं? नहीं नहीं, इतनी स्काई बैठेगी है। बाकी चलते हैं, वूफर नहीं बज रहा अपनी गाड़ी का, पता नहीं क्या हुआ, म्यूजिक सिस्टम अभी चेक कराना पड़ेगा शायद से, क्योंकि जाते वक्त मैं काफ़ी स्पीड में गया ना और तार ही लिए शायद कोई, और हो सकता है कि गाइस हमारी जो जेरी कैन है ना वो भी हमको रिफ़िल करनी पड़े, कल हमको निकलना है ना। और एक भाई मेरे को बोल रहा था, भाई ये बहुत नाजुक जगह है ये वो, इसको आप रिफ़िल करोगे तो ये टूट जाएगा। नहीं भाई, हमने पूरा चेक किया है, नहीं टूटते, 5 लीटर की है ये, मतलब इतना अगर फिल भी करेंगे नहीं पड़ेगा उतना ज़्यादा जोर, चेक करके ही हमने यहाँ पे लगाई हुई है। नंता को ना भी एक चीज़ बहुत क्यूट लगी, ये आपको बैलून दिख रहा है, इसके ना फ्रंट में ना स्माइली बनी है, मतलब नीचे एक येलो कलर का था, इसमें देखो ये रेड कलर का है। क्यूट तो है ये बहुत ज़्यादा, क्यूट तो ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा क्यों? जिप्सी पहले अच्छी थी कि अभी अच्छी है? अभी अच्छी है। सैंड लाइटर्स क्या काम करते हैं बताओ? सैंड लाइटर्स होते हैं जब कहीं गाड़ी फंस जाए तो उसको निकालने के काम। सैंड में फंसे, कहाँ से पता चला इतना? आपसे पता लगा, ब्लॉग के थ्रू। अच्छा तो बढ़िया लग रही है ना। चलो ठीक है, बाय। और सज्जल हैप्पी बर्थडे। फिर कितने साल का हो गया? हो गया बुढ़ा? नहीं बस 24 का हूँ अभी। बस यार मेरे को लगा था सज्जल अभी हो गया होगा 30-31। अरे नहीं, तो कैसी करिए पार्टी? बढ़िया, चलो ज्वाइन करो यार। एक्चुअली ना काफ़ी देर से लेकिन मतलब जिप्सी का काम करा था, क्योंकि कल निकलना है ना, साथ में सज्जल का बर्थडे भी था, तो अभी सब आए हुए हैं बैठे हुए, तो चलते बैठते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको। तो अभी ना खा के हम लोग हो गए फ्री। फिर नंता कितना खा लिया तुमने? पता है बाकी अभी यार हम लोग ना यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, मेरे को जाना पड़ेगा वापस यहाँ से कुल्लू, कुल्लू चलते हैं, नंता को छोड़ते हैं और फिर कल मिलते हैं। कल चलना है ना? कल मिलते हैं, मतलब हमको कुल्लू भी जाना है, अक्षु को भी उठाना है, अक्षु कुल्लू में है ना, कुल्लू से हम लोगों को अक्षु को भी उठाना है, उसको भी हमको लेके चलना। कहाँ हम जाने वाले हैं वो हम बताएंगे कल, आज बता दें? नहीं बताएंगे, ऐसे खुद ही डिसाइड करें बोलती, रुको अक्षु को पूछूंगी। मैंने इनको ऑप्शंस दिए 2-3, मैंने कहा स्पीति भी है, ले भी है, जांस्कर भी, तुम तीनों में से एक चीज़ डिसाइड करो, क्योंकि ये लोग कहीं पे भी नहीं गए, ना ही जांस्कर गए, ना स्पीति गए, ना ले गए, तो मैं कहा तुम लोग डिसाइड कर लो कहाँ जाना है, तो कल मॉर्निंग में बताएंगे हम, अभी तक हमने खुद भी नहीं सोचा। 3 ऑप्शन हमारे पास है, कल जहाँ जाना होगा अभी रात को डिसाइड कर लेंगे, फिर कल आपको बताते हैं। बाकी अभी चलते हैं, इसको छोड़ते हैं कुल्लू। माऊं जी, माऊं आजा 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 आजा। पालतू है? पालतू है? पालतू आपकी? पालतू 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 अपनी है? भाग रही है भाई, मैंने भाई को बोला पालतू है, भाई को बोला फालतू है, नहीं आ रही है, डर रही है बहुत ज़्यादा, भाग रही है। चले लेट हो जाएंगे, मेरे को घर भी आना है, घर आना है या फिर देखते हैं। अभी लक्ष्य का फ़ोन कर रहे हैं, बिल्कुल उनके वहाँ भी जा सकता हूँ मैं। सज्जन ठीक है, सी यू, हैप्पी बर्थडे। मैं नंता को छोड़ के आ गया हूँ मैं, बाकी अभी लक्षु और तनिष्क भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, एंड मेरी पोलो भी यहाँ पे है, तो बोल रहे हैं हमारे पास 1 मिनट आ जाओ,
तो उनके पास चलते हैं, अपनी पोलो भी देखते हैं और आपको भी उनसे मिलाते हैं। ओए ओए ओए, बाकी सुबह निकलना भी है ना मेरे को, यहीं से निकलूंगा मैं। और इतने दिन से लेके पोलो देखी भी नहीं है मैंने, जाके देखते हैं। मेरे को आज एक्चुअली मेरे को पोलो चलानी थी, तनिष्क भाई मेरे को बोलते ले जा रहे हो, मैंने कहा हाँ आऊंगा मैं, क्योंकि पहले बार पोलो में घूमने का प्लान था, लेकिन बाद में प्लान चेंज हो गया, कहते यार मैंने तो वॉश करके रखी हुई थी, तो पहुंच गया मैं ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी पे। पोलो देखो क्या चमक रही है भाई, तनिष्क भाई को आज लगा शायद से कि मैं लेके जाऊंगा इसको ना। यहाँ देखो आपको मैं एक बार 1x में दिखाता हूँ, देखो जिस दिन लेके आए थे ना उस दिन बहुत गंदी थी, वॉशिंग सेंटर की जरूरत ही नहीं तनिष्क भाई, तो यार खुद ही धोते है। तनिष्क भाई कैसे आप? बढ़िया। कैसी चली प्रॉपर्टी? बढ़िया। क्या बढ़िया धो दिया आपने, अरे क्या बढ़िया धो दिया आपने। वॉशिंग सेंटर ऐसे रखते हैं, वॉशिंग सेंटर की जरूरत नहीं है, तनिष्क भाई को देनी पड़ेगी। फिर लक्ष्य द राइडर, हाउ आर यू, कैसी रही तेरी रैली? बढ़िया, फर्स्ट टाइम थी ना? फर्स्ट टाइम यार, मतलब बाकी लोग तो जो अपने बंदे हैं ना वो सारे रैली करते हैं, लक्षू का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था रैली का, तो आगे भी लड़ेगा भाई, लक्षू लड़ेगा रैली, बाकी सब भी लड़ेंगे। अभी जो भी नेक्स्ट रैली आने वाली है ना, मैं भी जाऊंगा और बाकी हम और भी चीजें करेंगे रैली में, ठीक है? तो इसके बाद कौन सी रैली है? इसके बाद लाहौल स्पीति अभी फिर से करेगा पार्टिसिपेट। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था तेरा? बाकी अभी हम लोग प्रॉपर्टी पे पहुंच गए, खाने को बनाया कुछ? खाने को बनाया कुछ? मैंने खाया नहीं यार, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे हम लोगों ने क्यारों में खाया, फिर जल्दी जल्दी मैं उन लोगों को छोड़ने के लिए गया, अभी वापस यहाँ पे आया हूँ तो मम्मी मेरे को फोन कर रही है। अब मेरा प्लान ये हो रहा है कि मम्मी को मैंने बोला था मैं आऊंगा घर, तो मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ घर या सुबह यहीं से डायरेक्ट निकलूँ, तो अभी देखते हैं डिनर, देखते हैं ना डिनर करते हैं। और दूसरा रीजन है तनिष्क भाई के पास आने का, पता क्या था? ये देखो हाथ बच गया, खून निकल रहा है। तनिष्क भाई व्हाट इज दिस? आपने किया कुछ? खून निकल रहा है, देखो भाई क्या करूँ यार, काम भी करना है, घर पे भी नहीं बैठ सकते, ब्लॉग भी करना है, घूमना फिरना भी सब कुछ करना है, क्या करें? अगर मेरे पास अंधाधुन पैसा होता ना और ऐसा घर होता जैसा ये है, यार मजाक नहीं यार, लक्षू सच है कि नहीं है भाई, जो एप्पलटन है ना प्रॉपर्टी तनिष्क भाई की, मैं बोलता हूँ भाई ऐसा घर चाहिए लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए भाई, ऐसा घर चाहिए। अगर आप लोग ऐसे पता चल रहा एक बार मनाली आओ, एप्पलटन आओ, आप खुद बोल रहे रात को देखना इसको एक बार भाई, अल्टीमेट अब तो गरारी अड़ गई है, इतना पैसा कमाना है कि ऐसा घर बनाना है। तनिष्क भाई ऐसा घर कितने में बन जाएगा? 2-3 करोड़? शायद 2 करोड़ तो कम से कम है ना, कम से कम, ज़्यादा नहीं, जमीन के साथ में भाई, जमीन सब बात करूँ मैं, बिना जमीन के ये बना रहा, मेरे को लग रहा है 80 लाख 1 करोड़, 80 लाख 70 80। एक करोड़ में बंदा सेटिस्फेक्शन के साथ घर बना सकता है, जमीन के साथ 2 करोड़ बोल रहा हूँ मैं, इतने व्यूज दिलाओ मेरे को कि मैं 1-2 करोड़ कमाऊं और ऐसा घर बना दूं, कब वो दिन आएगा जब मैं ऐसा घर कर ही लो यार, ले आईडी बता, चल आईडी बताता हूं, चल बता ऐसे बता, मुंह से ऐसे दिखाना नहीं, लक्ष्यू गाइस आपको मैं दिखाता हूँ, रुको लो यार, गाइस लो यार फॉलो कर दो लक्ष्यू ठाकुर 11 को। तनिष्क भाई आपको भी करना है? नोमैड को फॉलो कर दो, चलो तो नॉन वेज बंद हो गया, ये लोग खा रहे हैं चिकन बर्गर, बाकी क्लीन करता हूँ जल्दी से यार।